हीट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम लोग हीट में हम लोग फर्स्ट थर्मोमेट्री पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं। कैलोरीमेट्री में क्या होता है, वो जो मिक्स विक्स करते हैं पानी उनी का ना, उसका टेम्परेचर हम लोग उसमें भी वही निकालते हैं, फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं। उसके बाद केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री है क्या, व्हाट इज थर्मोमेट्री। इसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। अब देखो एक यहाँ पे आएगा पहले, व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। चलो लिखो व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, हम बोलते हैं टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर बेसिकली द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, ठीक है। क्या है, टेम्परेचर इज बेसिकली द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, ठीक है। टेम्परेचर जो है किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है, ठीक है। किसको बताता है, हॉटनेस हॉटनेस एंड या कोल्डनेस को, कोल्डनेस को बताता है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग इनर्जी के टर्म में हम लोग डिफाइन किया जाए, ठीक है, इन टर्म ऑफ इनर्जी के टर्म में, तो यह टेम्परेचर जो है रिलेटेड टू एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम, ठीक है। टेम्परेचर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर होता है या किसी मीडियम का टेम्परेचर जो होता है, इनर्जी पर मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट लाइन है, इनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम होता है, इनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम होता है, ठीक है, ये टेम्परेचर होता है, ठीक। अब देखो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारा स्केल आया, ठीक है, फॉरेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, ठीक है, रूमर स्केल, इस तरह का बहुत सारा स्केल आया, ठीक। और उसी का मेजरमेंट हम लोग थर्मोमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थर्मोमेट्री, ये थर्मोमेट्री है क्या। बेसिकली थर्मोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, थर्मोमीटर, थर्मामीटर जिसको बोलते हैं। थर्मोमेट्री में क्या है, थर्मामीटर है ना, थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, थर्मोमेट्री मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजरमेंट हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। और जिस डिवाइड से करते हैं उसको थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है, थर्मामीटर, मीटर, ठीक है, यह एक डिवाइस होता है थर्मामीटर। अब देखो थर्मामीटर बनाने के लिए हम लोग जिन फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो कुछ ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जिसमें लीनियर वेरिएशन हो, ठीक है। जब हम थर्मामीटर बना रहे होते हैं, थर्मामीटर, ठीक है, तो इसको बना रहे होते हैं, तो ऐसा प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, प्रॉपर्टी विच वेरी लीनियरली, विच वेरी लीनियरली, इसमें लीनियरली वेरिएशन हो, ठीक है, लीनियरली वेरिएशन हो, उस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं इसको थर्मामीटर को बनाने में, ठीक है। तो उसमें से कुछ जो प्रॉपर्टी है, और इस सब्सटेंस को बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, और जो प्रॉपर्टी जो होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, जो लीनियर वेरिएशन हो जिसका, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, देख लो। मतलब जिस हम लोग कोई भी थर्मामीटर बना रहे होते हैं तो उसमें जो चीज यूज किया जाता है, उसका लेंथ क्या होगा, उसका उसमें कौन सा लिक्विड डालेंगे, ठीक है, तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ना, वह वेरी करता है लिनियरली, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये दो तीन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है, पहला जिसमें होता है, पहला थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है लेंथ ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, ठीक है, पहला लेंथ ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, लेंथ ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, कैपिलरी में जो लेंथ ऑफ लिक्विड होगा उसका लेंथ, ठीक है। दूसरा हो गया प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इसका बहुत बड़ा यूज होगा, देखना, प्रेशर ऑफ गैस
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस का प्रेशर, ठीक है। तीसरा, तीसरा जो होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ गैस। चौथा, रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन प्लेटिनम वायर, चौथा रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्लेटिनम, देखो प्लेटिनम वायर लेते हैं, ठीक है। ये सब जितना भी है ना लीनियर वेरिएशन शो करता है, ठीक है। जब भी कोई मटेरियल यूज करते हैं जो थर्मामीटर बनाने में, तो इन सब चीज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये लीनियरली वेरी होता है, ठीक है। ठीक, किसी में हम लोग लेंथ ऑफ लिक्विड कलम, लिक्विड इन कैपिलरी यूज कर लेंगे, किसी में प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम यूज कर लेंगे, किसी में वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर यूज कर लेंगे, ठीक है। और किसी का रेसिस्टेंस हम लोग कभी कभी रेसिस्टेंस ऑफ गिवन प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर का रेसिस्टेंस जो होता है लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। ठीक, ये सब चीजें हम लोग किसी भी टेम्परेचर स्केल को मेजर करने के, बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो भी साइंटिस्ट था थर्मामेट्रिक स्केल को बनाया, यानी थर्मामीटर को बनाया, तो दो चीज फिक्स कर लिया, ठीक है। एक तो बॉइलिंग पॉइंट और एक मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखो बताते हैं, थर्मामीटर को बनाने के दौरान क्या क्या फिक्स किया गया, इन चीज को हम लोग फिक्स, इन चीज को हम लोग वेरिएशन के आधार पर ही हम लोग जो भी थर्मामीटर बनाएंगे उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखो, पहला हो गया था ना, ठीक है। पहला जो थर्मामीटर बनाने के दौरान जो कुछ चीज को फिक्स किया, वो क्या फिक्स किया, फिक्स क्या किया, पहला, ठीक है। जब थर्मामीटर बना रहा था तो दो चीज को फिक्स किया, एक तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये फिक्स कर दिया। दूसरा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। इन दोनों को फिक्स कर दिया किसी भी स्केल को बनाने के लिए, ठीक है। हर स्केल में हर साइंटिस्ट अलग अलग लिया और इन दोनों को फिक्स कर दिया, ठीक है। ठीक, और ये दोनों जो है स्टैंडर्ड पॉइंट है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और, ठीक है, और बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस ना, ठीक है। दो चीज हम लोग फिक्स कर दिए, ठीक है। हम देखो, कोई स्केल बनाते हैं, कोई भी स्केल, स्केल बनाते हैं तो ठीक, एक टॉप कुछ लेंथ होगा, ठीक है, लेट एल बी द लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। ये हम कोई भी स्केल बना रहे हैं तो देखो, लोअर पे डिसाइड कर दिया कि यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, और अपर पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस लिख लो, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, जन अच्छा रहेगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिख, चलो इससे अच्छा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिख लो, जितना पर वाटर फ्रीज कर जाए, है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी जीरो डिग्री ही होता है, ठीक है, जीरो डिग्री पे ही मेल्ट कर जाता है, ठीक, सिर्फ लेटेंट हीट की जरूरत होता है। देखो, तो क्या डिसाइड किया, एक जो भी स्केल बना उसका कुछ लेंथ होगा, तो टॉप वाले पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया और बॉटम वाले पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट बोल दिया, ठीक है। ठीक, और उसके अनुसार इस पे जो भी रीडिंग आ रहा था तो वो मेजर कर ले रहा था कितना मेजरमेंट है। अब देखो, स्टैंडर्ड थ्री स्केल, हम लोग जो भी साइंटिस्ट था, तीन स्टैंडर्ड स्केल हुआ, ठीक है, थ्री स्टैंडर्ड स्केल, थ्री स्टैंडर्ड स्केल, कौन कौन थ्री स्टैंडर्ड स्केल है, कौन कौन थ्री स्टैंडर्ड स्केल है, थ्री स्टैंडर्ड स्केल, स्केल क्या होता है, वेरी डॉक्टर यूज करता है ना, तो किसमें मेजर करता है, किस किस डिग्री में मेजर करता है डॉक्टर, थर्मामीटर जो होता है ना,
तो टेम्परेचर बॉडी का मापता है, तो किसमें होता है, डिग्री सेल्सियस में कि फॉरेनहाइट में? फॉरेनहाइट में होता है ना, पहला डिग्री फॉरेनहाइट, दूसरा डिग्री सेल्सियस, तीसरा केल्विन। रूमर भी होता है, ठीक है, केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तीन तरह का स्केल होता है। अब देखो तीनों में हम लोग क्या क्या फिक्स किए, देखो फिक्स क्या क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक। तो इस कंडीशन में जब केल्विन सेल्सियस में लेते हैं तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, चलो इसको आगे लिखते हैं, लिखो हो गया ना, ना लिखो फटाफट लिखते हैं, चलो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी स्केल बनाएंगे हम लोग अपने मन से भी स्केल बनाएंगे तो ये दो पॉइंट को फिक्स कर देंगे, बॉटम सबसे लोअर पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे और सबसे अपर पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट लेंगे, किसका, वाटर का, ठीक है, हमेशा वाटर का ही लेंगे, ठीक है। ये दोनों को फिक्स कर दिया, जो भी साइंटिस्ट है एक रेफरेंस लिया, ठीक है, कहाँ से हम लोग मेजर करेंगे, तो वाटर से, वाटर को रेफरेंस मानते हुए ये सारा चीज मेजरमेंट हुआ, ठीक है। हो गया। अब देखो तीन स्केल, देखो किस तरह मेजरमेंट किया, मेरे पास तीन स्केल है, स्टैंडर्ड 3 स्केल, ठीक, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस वाला, डिग्री फॉरेनहाइट वाला और केल्विन वाला, ये तीन स्केल है, ठीक। तो इसमें भी सब में क्या कॉमन किया कि जो लेंथ ऑफ स्केल रखा सब में फिक्स कर लिया, ठीक, लेंथ ऑफ स्केल क्या रखा, सब में फिक्स कर लिया कि अगर ये एल लेंथ का स्केल है, ठीक, तो ये भी एल लेंथ का स्केल रहा। सब साइंटिस्ट एक काम किया कि लेंथ ऑफ स्केल को फिक्स कर लिया, ठीक है, ये भी एल लेंथ के स्केल को फिक्स कर लिया, ठीक है। अब देखो अब जो डिग्री सेल्सियस में जो बॉटम पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट था, एफपी फ्रीजिंग पॉइंट, वह लिया 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और बॉइलिंग पॉइंट ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फॉरेनहाइट में था जो फ्रीजिंग पॉइंट लिया एफपी, वह लिया 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट था वह ले लिया डीपी 212 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है, 212 डिग्री फॉरेनहाइट ले लिया, ठीक। और केल्विन में था वो जो फ्रीजिंग पॉइंट था एफपी, 273.15 केल्विन ले लिया, और जो बॉइलिंग पॉइंट था डीपी 373.15 केल्विन, ठीक है। ये तीनों मतलब ये चीज फिक्स कर दिया, जो भी साइंटिस्ट था ये फिक्स कर दिया कि मिनिमम इतना होता है, ठीक। अब देखो अब हम लोगों को किसी भी समय का, किसी भी मान लो यहाँ का डिग्री सेल्सियस मेजर करना कितना है, ठीक, सेम इंस्टेंट पे यहाँ पे फॉरेनहाइट कितना होगा, डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक, सेम इंस्टेंट पे यहाँ पे केल्विन कितना होगा, केल्विन के कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से मान लो एक्स डिस्टेंस, एक्स लेंथ पे ये मेजर किया, ठीक, एक्स लेंथ पे, तो ये भी एक्स लेंथ होगा, हाँ दिस इज ऑल्सो एक्स लेंथ, ठीक है, ये भी एक्स लेंथ होगा, ठीक। तो देखो साइंटिस्ट क्या बोला कि फॉर सेल्सियस स्केल के लिए, देखो हो गया, फॉर इसके लिए, इस स्केल के लिए एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 100 माइनस 0 डिग्री, ठीक, पहले जनरलाइज करेंगे बाद में। फिर सिमिलरली इस स्केल के लिए देखो एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 212 माइनस 32, ठीक। और सिमिलरली इसके लिए एल जो है लेंथ ऑफ स्केल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 373 माइनस 273 ही रखो, ठीक है, पॉइंट को बाद में कंसीडर कर लेंगे, ये बोला, ठीक, यानी अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ठीक है, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये लेंथ का प्रोपोर्शनलिटी को बताता है। तो अगर इतना के लिए लिखेंगे एक्स लेंथ के लिए तो डिग्री सी माइनस जीरो, यानी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी माइनस जीरो, ठीक है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी माइनस जीरो, वैसे ही यहाँ के लिए लिखेंगे एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एफ माइनस 32। वैसे यहाँ के लिए लिखेंगे तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के माइनस 273। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों का रेशियो निकालो l बाई एक्स का, सारे में l बाई एक्स का रेशियो निकालो। ठीक, जब हम l बाई एक्स का रेशियो लिखो, देखो तो अब क्या करते हैं, सारे स्केल के लिए एल वाई एक्स निकालते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा स्केल को इधर कर इरेज कर देते हैं। सारे स्केल के लिए डिग्री सेल्सियस के लिए एल वाई एक्स का रेशियो निकालो। एल वाई एक्स यह कितना आ जाएगा, 100 माइनस 0 अपॉन सी माइनस 0। ठीक, ये सेल्सियस के लिए हो गया। इसके लिए फॉरेनहाइट के लिए निकालो, फॉरेनहाइट के लिए क्या हो जाएगा, एल वाई एक्स का रेशियो। एल वाई एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 212 माइनस 32 अपॉन एफ माइनस 32। ठीक, और यहाँ पे निकालो, केल्विन के लिए निकालते हैं, केल्विन के लिए एल वाई एक्स का रेशियो क्या हो जाता है, एल वाई एक्स इक्वल टू 373 माइनस 273 अपॉन के माइनस 273। यही होता है। अब देखो क्या तीनों बराबर है। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बाई एल भी तो लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, c माइनस, यानी c माइनस 0 अपॉन 100, यानी c बाई 100 हो जाएगा। ये x बाई एल कितना हो जाएगा, देखो f माइनस 32 अपॉन, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 081 180। और यहाँ पर x बाई एल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, k माइनस 273 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब देखो चूंकि सारे तरफ x by l है, x by l है, x by l है, तो एक रिलेशन इससे आ जाएगा कि तीनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग तीनों में रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों में क्या करेंगे, रिलेशन निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये सब बराबर हो जाएगा, यानी सी बाई 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 180 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100। ठीक है, ये तीनों बराबर हो गए, यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। अगर C और F में निकालना है तो इन दोनों को कंसीडर कर लो, F और K में निकालना है तो इन दोनों को कंसीडर कर लो, C और K में निकालना है तो इन दोनों को कंसीडर कर लो, तो ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है, तो दिस इज रिलेशन बिटवीन दिस थ्री स्केल। ठीक है, कि एक स्केल से दूसरे स्केल में रीडिंग को हम लोग कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। बस याद क्या रखना है, अपर पॉइंट यानी स्केल रीडिंग। ठीक है, देखो जनरलाइज करते हैं क्या किसी भी स्केल के लिए क्या क्या हो सकता है। इरेज कर दें इसको। ठीक, यानी क्या हम ऑब्जर्व किए कि फॉर एनी स्केल, देखो क्या ऑब्जर्वेशन, ये सब साइंटिस्ट का दिया हुआ था, बट आवर ऑब्जर्वेशन क्या रहा, हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि फॉर एनी स्केल, चाहे स्केल कैसा भी हो, चाहे खुद से बनाए
और एनी स्केल स्केल देखो एनी स्केल पे एक तो यहाँ होगा फ्रीजिंग पॉइंट और एक तो यहाँ होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा ना ठीक। और मान लो दिस इज स्केल रीडिंग, ये एल एक्स लेंथ पे हम लोग और ये टोटल लेंथ ऑफ स्केल एल रहा और यहाँ पर हम लोग का स्केल रीडिंग हुआ, स्केल रीडिंग यही था मेरा स्केल रीडिंग 49 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी स्केल के लिए देखो क्या लिख सकते हैं, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी स्केल स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बीपी माइनस एफपी, यह क्या होता है कांस्टेंट होता है ठीक है, यह कांस्टेंट होता है किसी भी स्केल के लिए, दिस इज कांस्टेंट फॉर एनी स्केल ठीक है, दिस इज कांस्टेंट यह कांस्टेंट होता है ठीक है किसी भी स्केल के लिए। अब हम अपना मन से कोई भी स्केल बनाएंगे ठीक है, अब उसका देखेंगे रिलेशन ठीक। हो गया, ये इंपॉर्टेंट रहा, ये इंपॉर्टेंट था किसी भी स्केल के लिए, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट होता है, चाहे कोई भी स्केल हो, चाहे वो सेल्सियस हो फॉरनहाइट हो केल्विन हो। एक और र्यूमर स्केल होता है ठीक है, र्यूमर स्केल र्यूमर जिसमें हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 0 र्यूमर लेते हैं और 80 ले लेते हैं अब बॉइलिंग पॉइंट को ठीक है, बाकी सब एज इट इज निकाल देंगे ठीक है, बट ये दिस इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट ठीक है, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है ठीक। हो गया, नहीं एक्स ऊपर से नहीं, हमेशा नीचे टॉप माइनस बॉटम ठीक है, तुम कैसे भी लो बट लीनियर वेरिएशन, जिस तरह का रिलेशन इसमें निकाला उसी तरह का रिलेशन इसमें निकालेगा, ऐसा नहीं कि एल के लिए लिखे एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ पी माइनस बी पी और एक्स के लिए लिख देंगे स्केल रीडिंग माइनस एफ पी, जिस तरह का वेरिएशन लेंगे उसी तरह का यहाँ पे भी वेरिएशन लेना पड़ेगा ठीक है। मेरे कहने का मतलब हमें ऐसे लिखते एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ पी माइनस बी पी, ध्यान से देखो लोअर माइनस अपर लिखे तो इतना दूर के लिए भी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे एफ पी माइनस स्केल रीडिंग, फाइनली इन दोनों का रेशियो फाइनली यही आएगा ठीक है। हाँ ठीक, मतलब नहीं एक्स ऊपर से नहीं, हमेशा बॉटम से लेंगे ठीक है, मतलब मेजर करेंगे तो एक ही बार सौ से, जीरो से हम लोग मेजर करते हैं है ना, कम से मेजर करते हैं ना, धीरे धीरे बढ़ता है तो हमेशा लोअर स्केल से लेंगे, लोअर पॉइंट ऑफ स्केल से ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं किस तरह इस पे क्वेश्चन आ सकता है ठीक, मान लो हम एक स्केल बनाते हैं ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो हम कोई स्केल बनाते हैं, स्केल क्वेश्चन हम एक स्केल बनाए न्यू स्केल ठीक, न्यू स्केल इस पे हम यह माने कि जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 50 डिग्री सेल्सियस था और जो 50 था ठीक है मेरे स्केल पे, मान लो मेरे स्केल का नाम एन रहा एस रहा, एस माय स्केल नेम इज एस, तो 50 एस था और बॉइलिंग पॉइंट तो था बॉइलिंग पॉइंट वो था 200 एस ठीक। अब इस स्केल पे हम एक रीडिंग मेजर करते हैं 100, तो बताना है कि यह कितने डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू कितना डिग्री सेल्सियस ठीक है, मतलब 100s मेरे स्केल का रीडिंग अगर हम सेल्सियस स्केल से मेजर करेंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस होगा ठीक है। क्या बोले क्वेश्चन, हम एक नया स्केल बनाए जिसका नाम हम दे देखे s, तो उस पर हम ये डिसाइड कर फिक्स कर दिए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 50s है और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 200s है, और हम मेजर किए वाटर का जो टेम्परेचर तो 100s आया, तो अगर हम यही चीज हम लोग सेल्सियस स्केल से मेजर करेंगे तो कितना होगा, लेंथ ऑफ स्केल ले लो कुछ भी, सारे लेंथ ऑफ स्केल बराबर है ठीक है, हम ये मान के चल रहे कि यह लेंथ ऑफ स्केल उतना वही है, सेम लेंथ है जितना कि हम मेरा इसका है ठीक है, सेल्सियस का है ठीक।
नीचे वाले को पॉइंट को बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एल, हाँ ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट LFP, LFP, और इसको बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट किसी भी स्केल के लिए, अपर फिक्स्ड पॉइंट UFP, ठीक है। सेल्सियस, हाँ सेल्सियस। हाँ क्या करेंगे देखो, ठीक देखो कैसे बनाएंगे हम लोग का जो सेल्सियस स्केल है उस पे तो हमको सब पता है कि फर्स्ट डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए हम जानते हैं कि अगर सेम लेंथ का स्केल है तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक। और इसी लेंथ का लेते हैं, लेट से दिस लेंथ इज एक्स, और तो ये भी लेंथ एक्स हो गया, और यह लेंथ मान लो एल, टोटल लेंथ मेरा स्केल का एल है, तो इस स्केल का भी लेंथ कितना है, एल ही है, क्या बोले थे सेम लेंथ ऑफ स्केल। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा एल, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 200 माइनस 50, और एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50, यही होगा। और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ का मान लो सी टेम्परेचर, सी मेजरमेंट है, तो यहाँ से हो जाएगा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस 0, और एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी माइनस जीरो। अब देखो एक्स बाई एल यहाँ से आ गया सी बाई 100, और यहाँ से आ गया एक्स बाई एल 50/150, यही होगा ना, क्या दोनों इक्वल हो जाएगा, बोथ आर इक्वल, यानी सी बाई 100 इक्वल टू 50/150। दिस इंप्लाइज सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/150 × 100, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो भी है दिस इज द टेम्परेचर रीडिंग, ठीक है। तो इस तरह हम लोग निकालते हैं, ठीक, कितना डिग्री पूछ देता है, ठीक, नया स्केल दे देगा, ठीक है, और उसमें पूछ देगा कितना का मेजरमेंट दूसरे स्केल पर, किसी भी स्केल पर क्या होगा, ठीक है। तो फिर बात बराबर आ जाता है, ठीक है, तुम एल बाई एक्स निकालो, एक्स बाई एल निकालो, आंसर विल बी सेम, ठीक है, हो गया। अब देखो मॉडर्न डे में हम लोग क्या करते हैं, इस मॉडर्न समय में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यूज कर लेते हैं, ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के रूप में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक। देखो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, समझो आइडियल गैस के केस के केस में, ठीक है, देखो किस तरह हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हो गया, ये क्वेश्चन है, टू आइडियल गैस थर्मामीटर ए एंड बी, क्वेश्चन क्या है, टू आइडियल गैस थर्मामीटर ए एंड बी, इसका मतलब इस बार जो थर्मामीटर उसमें गैस भरा हुआ है ए एंड बी, ठीक है, यूज ऑक्सीजन, एक में यूज होता है ऑक्सीजन एंड दूसरे में यूज होता है हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ठीक है, एक में ऑक्सीजन होता है, एक में हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ठीक, और ऑब्जर्वेशन मेड किया, ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन टेबल निकाला, ठीक, यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, ठीक, यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर ए का, थर्मामीटर ए का, और यहाँ पर प्रेशर बी का, ठीक है, प्रेशर बी का, थर्मामीटर बी का प्रेशर, ठीक, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, ठीक है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आया, क्या आया, यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लिया पहला, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जो प्रेशर था 1.250 × 10^5 पास्कल, पास्कल, ठीक, और इसका जो थर्मामीटर का प्रेशर था बी का 0.200 × 10^5 पास्कल, ठीक है, और दूसरा था, दूसरा क्या लिया, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, नॉर्मल
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, ठीक, इसका जो था, ठीक, उस समय जो प्रेशर था थर्मामीटर ए का, हुआ था 1.797 × 10⁵ पास्कल, ठीक, और जो थर्मामीटर बी का प्रेशर था 0.287 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर रीड बाय थर्मामीटर ए एंड थर्मामीटर बी, ठीक है। देखो इसमें थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो यूज किया गया, प्रेशर को यूज किया गया, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, थर्मामीटर होगा तो बंद रहेगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गया तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर को यूज किया गया, ठीक है, मेजर करने के लिए, ठीक, ए का बी का, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होगा, ठीक, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होगा सल्फर का, निकालो, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सल्फर, हाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सल्फर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर टेम्परेचर कितना डिग्री होता है, 273 केल्विन लेना, ठीक है, जो भी होगा केल्विन में निकालना, थोड़ा सा इसमें यूज होगा, है ना, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे, देखो देखो क्वेश्चन होगी, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक, देखो ट्रिपल पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब ट्रिपल पॉइंट पर बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ट्रिपल पॉइंट पे मेल्टिंग पॉइंट अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, एसटीपी पे कंडीशन पे सब निकाला जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंट्रोल, ठीक, 273 केल्विन, ठीक है, मान लो फॉर ए, फॉर थर्मामीटर ए के लिए निकाले, ठीक, ए के लिए, ठीक है, अब प्रेशर कितना है ट्रिपल पॉइंट पे, यह है ए के लिए देखो 1.250 × 10⁵ पास्कल, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग सपोज कर लो कि ये स्टैंडर्ड आइडियल गैस जो है, ये आइडियल गैस लो को फॉलो करता है, ठीक है, PV = nRT, ठीक, ध्यान से देखो कांस्टेंट वॉल्यूम, चूंकि ये थर्मामीटर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ये सब किस पर लिया जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये प्रेशर मेजर किया जाता है, बंद रहता है ना, खुला नहीं ना रहता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो भी कांस्टेंट होगा, एन कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो भी प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, थोड़ा सा दिमाग लगा देना है ना, यानी कि क्या बोल सकते हैं, देखो ठीक, मेल्ट रीडिंग, ये सपोज कर लो ये रीडिंग है, ठीक, और इसका टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं कि जब ये टेम्परेचर था तो टी था, ठीक है, हम लोग इसी का टेम्परेचर निकालना है, टी केल्विन था, ठीक, तो बोल सकते हैं ना पी जो रीडिंग प्रेशर सल्फर का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सल्फर, और P ट्रिपल पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ट्रिपल पॉइंट, यस और नो, ठीक, और यहाँ से निकाल दो रेशियो, हमको TS निकालना है, ठीक, तो क्या लिखेंगे PS/PTR = TS/TTR ट्रिपल पॉइंट वाला, तो यहाँ से देखो TR हाँ ट्रिपल पॉइंट वो वाटर दिया है, देखो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर दिया है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन, तो ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है, कितना होता है, ठीक, एसटीपी पे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से टीएस निकाल लो, क्या आ जाएगा PS/PTR × TTR, यानी पीएस कितना हो गया, यानी देखो ये टीएस आ गया, ठीक, मतलब किसी भी टेम्परेचर किसी भी स्केल के लिए टीएस आ गया, चाहे वो ए के लिए थर्मामीटर ए के लिए या बी के लिए, ठीक, अब थर्मामीटर ए के लिए देख लो, ठीक है, ये सब इरेज कर देते हैं, ठीक है, थर्मामीटर ए के लिए, ठीक, चलो फॉर ए, ठीक है, ए के लिए देखो, ए के लिए क्या है पीएस कितना है, ये वाला प्रेशर सल्फर का प्रेशर 120 जो हो जाएगा, सल्फर का टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हो जाएगा 1.797 × 10⁵ / 1.250 × 10⁵ × 273, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो आएगा आई थिंक 370 समथिंग आ जाता है, बता देते हैं कितना आता है, 392.46 केल्विन, तो ये हो जाएगा
ए का रीडिंग, रीडिंग बाई ए, ए का रीडिंग कितना हो गया, ठीक है। बी का रीडिंग वैसे ही निकालो, ठीक है। बी का रीडिंग फॉर बी, देखो फॉर बी थर्मामीटर, फॉर बी, और बी, बी कितना रीड करेगा, तो टी एस सल्फर रीडिंग बाई बी, तो ये हो जाएगा। सल्फ प्रेशर कितना है बी के लिए, थर्मामीटर बी के लिए 0.278, 0.278 इंटू 10^5, और ट्रिपल पॉइंट पे कितना है प्रेशर 0.200 इंटू 10^5 इंटू टेम्परेचर 273, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इट्स कम्स टू बी, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्व करो 391.75 केल्विन, 391.75 केल्विन, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सल्फर एट बी। ये कौन सा टेम्परेचर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एब्सोल्यूट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सल्फर बी। तो इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं, वॉल्यूम के केस में भी दे सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर था, हो सकता है कहीं वॉल्यूम आ जाए, तो फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। और एक और बात हो सकती है, देखो दोनों का टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह दोनों गैस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था ना, हाँ कॉन्स्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम हम लोग लेते हैं, लिखवाए थे लीनियर प्रॉपर्टी, चार था ना लीनियर प्रॉपर्टी, कौन था पहला, लेंथ ऑफ लिक्विड कैपिलरी, तो फर्स्ट जो हम लोग टेम्परेचर इसके लिए थे सब में लेंथ क्या कॉन्स्टेंट रखे थे, ठीक। दूसरा प्रेशर ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो गया, और ऐसा भी हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर, हाँ कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ले लेंगे तो फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी निकाल लेंगे, लगा लेंगे, ठीक है। और देखो टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस आ गया, डिफरेंस किसके वजह से है, दिस इज ड्यू टू बिकॉज जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है वो आइडियल बिहेवियर नहीं शो करता है ना, आइडियल गैस के बिहेवियर को नहीं शो कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया, अगर आइडियल होता तो सेम होता, ठीक है। चलो हो गया, चलो फिर नेक्स्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है।